गुड मॉर्निंग। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। देखो, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नेक्स्ट ये एटा, नीटा और जीटा की वैल्यूज, और फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन, सेवेंथ इक्वेशन, यहाँ तक कर लिया था नवीशा ने। इजीली फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ इक्वेशन तक सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ सेवेंथ इक्वेशन के नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही थी। देखो, इक्वेशन सिक्स्थ और सेवेंथ है, ये माइनस में है दोनों, ठीक है। तो इसको, ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और इसको वाई के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस करेंगे तो ये जो है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो ये माइनस और ये, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सिक्स्थ विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड इक्वेशन सेवेंथ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन सब्ट्रैक्ट वी गेट। अब देखो, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल टू v अपॉन डेल जेड डेल टी माइनस, इसमें दोनों का होगा एक्स जाई और ये w, तो माइनस टू एक्स जाई एज इट इज है, ठीक है। और डेल w अपॉन डेल जेड हो गया, माइनस टू w एज इट इज है और डेल एक्स जाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। इसी तरह से इससे दो टर्म आएंगी, डेल एक्स जाई अपॉन डेल जेड और डेल u अपॉन डेल जेड, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस में टर्म आएगी, ये प्लस में आएगी, ये माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में जाके डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल टी, ठीक है। ये वाली जो माइनस करेंगे इन टर्म्स को, ये यहाँ पे ले लिया सबको, ठीक है। इससे दो टर्म आएंगी, इससे दो टर्म आएंगी, तो वो दोनों टर्म ये हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें इस टर्म को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है और इसको वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो इन टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लिया, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो टर्म है, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वाली, ये टर्म और ये टर्म, इसमें टी कॉमन है, तो डेल अपॉन डेल टी कॉमन ले सकते हैं। डेल अपॉन डेल टी कॉमन लोगे तो डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस, इसको इधर ले लो इसके साथ में, माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। यही टर्म है यहाँ पर, माइनस टू एक्स जाई वाली, दो टर्म है, ये राइट हैंड साइड में है, इधर लोगे तो ये माइनस टू एक्स जाई डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स जाई तो कॉमन ले लो और डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। और टू यू वाली दो टर्म आ रही है, तो टू यू कॉमन ले लो, तो टू यू ये पॉजिटिव है डेल एक्स जाई अपॉन डेल जेड, और यहाँ से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल ईटा अपॉन नीटा अपॉन डेल वाई, ठीक है। माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा इसके साथ। अब ये एक एक टर्म है यहाँ पर, कौन कौन सी टर्म बची, माइनस टू डब्ल्यू डेल एक्स जाई अपॉन डेल जेड ये, और एक ये ईटा वाली टर्म है, ठीक है, और ये, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये इधर ओके पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसमें से डेल अपॉन डेल टी कॉमन ले लो, माइनस टू एक्स जाई की दोनों टर्म को एक साथ करो, टू यू वाली दोनों टर्म्स को एक साथ करो, बाकी सब ये फोर टर्म्स एक एक हैं, इनको एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये देखो यहाँ ये है डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स जाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस टू कॉन्स्टेंट है और ये हो जाएगा, ये पुट करोगे यहाँ पे माइनस टू एक्स जाई, तो माइनस टू बाहर ले लो, डेल एक्स जाई अपॉन डेल टी, तो इससे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये माइनस टू डेल एक्स जाई अपॉन डेल टी हो गया, ठीक है। ये टर्म एज इट इज रहने दो, माइनस टू एक्स जाई ये एज इट इज हो गया, और यहाँ से देखो ये जो टर्म है अपना डेल एक्स जाई अपॉन डेल जेड प्लस डेल ईटा अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो, सिंस डेल एक्स जाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ईटा अपॉन डेल वाई प्लस डेल डेल जीटा अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस डेल एक्स जाई अपॉन डेल एक्स, तो माइनस टू यू डेल एक्स जाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये जीरो के इक्वल होगा, ये यहाँ से बता सकते हो।
इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डेल एक्स जाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ईटा को वाई के रिस्पेक्ट में प्लस डेल जीटा को जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/2 तो सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये आएगा डेल 2W अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल 2V अपॉन डेल एक्स डेल जेड, ठीक है। और ये आएगा प्लस डेल 2U अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल 2W अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करो तो हाफ तो कॉमन हो ही गया ये, और इससे डेल 2V अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल 2U अपॉन डेल जेड डेल वाई, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जब ये इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी, ये डेल जेड डेल वाई, ठीक है, जेड है ये, तो इस तरह से ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो इससे इन दोनों टर्म्स की वैल्यू माइनस डेल एक्स जाई अपॉन डेल एक्स जो है वो पुट करिए, ठीक है। यहाँ से देखो ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ठीक है। अब ये फोर टर्म्स एज इट इज रहने दो, 1, 2, 3, 4 इन टर्म्स को एज इट इज रहने दो। तो इन डेरिवेशंस को एक बार क्लियर करने के बाद में और लिख के दो बार एटलीस्ट इस उनको प्रैक्टिस करना, तब जाके एग्जाम में जो है वो कर पाओगे। माइनस टू थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है सभी में, कैंसिल कर दो और माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है। या ये कहो कि इन टर्म्स को यदि राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये दोनों टर्म नेगेटिव, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो गई, टू कैंसिल हो गया सब में, एक्स जाई को एक्स जाई डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक है, और डेल एक्स जाई अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एक्स जाई अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एक्स जाई अपॉन डेल वाई प्लस जीटा यू वी एंड डब्ल्यू, ये इससे डेल एक्स जाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये वाली टर्म तो ये है यहाँ पर, तो यू वी डब्ल्यू वाले तीनों टर्म्स को ये कर लिया। अब ये जो है ये मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई, ठीक है। ये तो सेम है यहाँ पर, एक्स जाई और ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये डी बाई डी टी ईटा, ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया अपना। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल वाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल वाई डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इफ़ रो डिपेंड्स ओनली टी देन डेल रो अपॉन डेल एक्स डेल रो अपॉन डेल वाई डेल रो अपॉन डेल जेड जीरो हो जाएगा, यदि रो टी पे ही डिपेंड करेगा तो, ठीक है। तो उस केस में रो बाहर ले लो, या जैसे इनका इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो दो टर्म आएंगी, तो वहाँ से डेल रो अपॉन डेल एक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज रो जो है वो टी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन रो डेल रो अपॉन डेल टी, ठीक है, और इसकी जगह पुट कर दो, ठीक है। तो मेनली इसमें यहाँ पर यही था कि डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा माइनस करोगे तब, और फिर इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, टू एक्स जाई वाले टर्म्स को और टू यू वाले टर्म्स को, फिर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है, और मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर अपना क्रिएट होगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, अब तो कर लोगे सॉल्व, ये पुट कर दिया, ठीक है, ये हो गया 1/rho से वो मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, 1/rho से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों टर्म जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी टी ईटा अपॉन रो, ठीक है, ये एजटिस रहने दो। इसी तरह से ये दो, ये ईटा के रिस्पेक्ट में है, ये नीटा और जीटा के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस ये आ जाएंगी, इसमें यू रहेगा, ठीक है, इसमें वी आएगा ईटा के रिस्पेक्ट, और ये जीटा है तो यहाँ डब्लू आएगा, ठीक है, बाकी सभी टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी।
एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो ये इक्वेशंस जो हैं वो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस कहलाती हैं।